हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों आप लोग बच के रहिएगा, गर्मी काफ़ी है। टेम्परेचर दोस्तों बता दूं कि 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक होने वाला है। 29 तारीख से लेकर के 2 जून तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उसमें आप लोग अपने घर में ही रहे, बच के रहे तो बहुत अच्छा है। कहीं पेड़ के नीचे रहे, लाइट भी इस टाइम बहुत कट रहा है, गर्मी बहुत काफ़ी है। तो ऐसे में छाछ, दही, आम का जूस पका करके सत्तू वत्तू, यही नींबू पानी, चीनी पानी पीते रहे दोस्तों। बहुत गर्मी से सब लोग परेशान हैं, और क्या बताऊँ, बहुत दुख की बात हो गई है, बहुत दुखद घटना है सर की। मम्मी भी अब नहीं रही, सर के मम्मी आज रात में डेथ कर गए गर्मी से ही। दोस्तों थोड़ा सा बीपी लो हुआ था और गैस वैस था, वही गर्मी से चक्कर कराया था कल शाम में, और रात को जब सोई तो सोई नहीं रहा, वो कुछ पता नहीं चला। बहुत दुख की बात है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, यही कहूँगी। और जो भी लोग हैं अपना ख्याल रखे, ख्याल करें। गर्मी सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देखिए अभी पसीना पसीना होने लगा। अभी जस्ट नहा के पाउडर कोट करके आई हूँ, मन नहीं था वीडियो बनाने का। वीडियो कहाँ बना रही हूँ, कल मेरा शॉर्ट वीडियो एक भी नहीं गया। मैं सोची कि चलो आज थोड़ा मतलब लोगों को बताऊँ कि लोग अपना बच करके रहे, इंफॉर्मेशन दें कि हम लोग कितना झेल रहे हैं। तो आप लोग को भी शायद झेलना पड़ रहा होगा, आप लोग की तरफ भी गर्मी हो। देखिएगा दूर तक दिखा रहे हैं, बादल बादल सा छाया हुआ है, दूर मेरे गांव में दिख रहा है ना। और इधर का भी धूप निकला है, इधर से धूप भी नहीं था, बादल बादल जैसा है, लेकिन धूप से भी भयंकर गर्मी है दोस्तों। धूप से भी भयंकर गर्मी है, गर्मी बहुत है, उमस है, क्या करूँ। मेरा ही हर दो दिन पर तबीयत खराब हो जा रहा है, जहाँ कहीं निकल रही हूँ हर दो दिन पर तबीयत खराब हो जा रहा है। कल तीन दिन का मतलब ये हफ्ता, पूरा हफ्ता से मैं जब से मैं दिल्ली से आई हूँ दौड़ी रही हूँ, चक्कर ही लगा रही हूँ, कभी यहाँ वहाँ कोर्ट कचहरी का अपना। कल तो लग रहा था कि मेरे पैर पे कोई आग फेंक रहा है, जल रहा पैर, जूता नहीं पहनी थी। और गर्मी से दोस्तों गमछी बस वीडियो में ले लेने का मन नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें पूरे दिन ऐसी रह रही हूँ, गमछी भी पता नहीं दे रहा है ना, कुछ बोलने का मन कर रहा है, एकदम सांसें कभी कभी ऐसा रुक जा रहा है, दम ही नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा था ना, कल हम लोग आ रहे थे ट्रेन पकड़ने स्टेशन, हम थे पापा थे मेरे, पिताजी साथ में, तो लगा कि मैं दम तोड़ दूँगी। और मन में डर भी था कि पिताजी को कहीं कुछ होना दे गिर करके रास्ते में, तो मैं क्या करूँ। टेम्पर बीती हाई रहता है और टेम्परेचर से हर दिन तो बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी होती है। उधर सर की मम्मी के साथ तो जुआ हुआ सो हुआ, बेचारी भगवान को प्यारी हो गई, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। और मेरी भोजपुर में एक बुआ है, उनका अब तक का घर ही चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उधर से देख करके पापा आए तो इधर का प्लानिंग बन रहा है, जो बुआ है भोजपुर के तो बुला रही है कि मतलब सबको बुला दो, खाना पीना छूट गया है 3 दिन से, अब भगवान भरोसे चल रही हैं, क्या कीजिएगा। भगवान जिसके सामने सब लिख के भेजे हैं, जब का वो तो होना ही है, उससे आदि की एक मिनट भी कोई नहीं रह सकता। मैं दूसरे को क्या बताऊँ, लोग तो जो एजेंट है एजेंट है, हम लोग तो नए हैं, फिर भी मैं सहन नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल है सहना, बहुत गर्मी, कैसे क्या खाया जाए, कहाँ रहा जाए, क्या खाया जाए, ना खाने का मन। रात को भी खाना नहीं खाई थी मैं, बस 1-1.5 रोटी खाई थी, फिर खाना वैसे डस्टबिन में मैं फेंक दी थी। अभी कितना 11 बजे रात को, 10:30 बजे रात को नहाई थी, 11 बजे रात को खाई थी, उसके बाद 12:30 बजे बेड पर गई थी सोने के लिए, पूरा बिस्तर एकदम जल रहा था। इतना गर्मी है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, कभी निकल कर बाहर आ रहे हैं, कभी घर में जा रहे हैं, कभी खेत में बैठ रहे हैं जा कर के,
मेरे घर में सब बच्चे भी ऐसे ही घर में घर घूम रहे हैं, तो बहुत परेशान। मैं तो यही भगवान से मना रही हूँ, भगवान कुछ मौसम में सुधार लाइए, मौसम में कुछ सुधार कीजिए। हम सिर्फ सबके एकदम चरम सीमा पे हैं, और जो बीमार है उनको और तकलीफ है। मैं धूप में निकल जाऊँ दो दिन के लिए, मैं फिर कमज़ोर है, बीमार पड़ जा रही, उल्टी लेट्रीन चालू हो जा रहा है, सब चीज़ में हमेशा दर्द बना रह रहा है। क्या करूँ, किसी तरह से अपना आदमी काट रहा है। एक दिन हर रोज़ हर किसी से क्या बताना है, बस यही आदमी सोचता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, होली को कौन टाल सकता है। तो यही कहूँगी आप लोगों से कि सब लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अगला वीडियो में मिलते हैं।